Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And today I'm going to discuss OPSC Dental Surgeon Exam Paper 2014-15 Part 4. Before that, I request you all, if you don't subscribe my channel yet, please do subscribe and share with your colleagues. So without further ado, let's get started. Calcifying epithelial odontogenic tumor commonly occurs in mandibular posterior area, maxillary posterior area, mandibular anterior area or maxillary anterior area. Calcifying epithelial odontogenic tumor is also known as Pinberg tumor, okay, and it is a rare benign neoplasm, and it is occurs more often in middle aged patient and usually in mandible area, okay, mandibular posterior area. So the correct answer for this question is mandibular posterior area. Calcifying epithelial odontogenic tumor commonly occurs in mandibular posterior area and it is also known as Pinberg tumor. Okay. Next question is, the most common histological variant of ameloblastoma is follicular, plexiform, acanthomatous or granular cells. तो ये मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ है कि follicular जो है वो कितना होता है 23.55%, granular 2-5%, acanthomatous 4-9%, plexiform 6-14% और mixed 7-17%. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट ऑफ अमीलोब्लास्टोमा इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉलिकुलर. द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट ऑफ अमीलोब्लास्टोमा इज फॉलिकुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट ऑफ अमीलोब्लास्टोमा विथ हाईएस्ट रिकरेंस रेट इज फॉलिकुलर, एकेंथोमेटस, ग्रेनुलर सेल और बेसल सेल. तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि द हिस्टोलॉजिकल सबटाइप्स में हैव प्रोग्नोसिस इम्प्लीकेशन फॉर रिकरेंस. तो जो फॉलिकुलर टाइप ऑफ अमीलोब्लास्टोमा है, हैट द हाइएस्ट रेट रिकरेंस, एट कितना होगा इसका रिकरेंस रेट होगा 29-5%. ओके, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फॉलिकुलर का. ओके, एंड द एकेंथोमेटस टाइप ऑफ अमीलोब्लास्टोमा शोड ओनली इन 4-5 रिकरेंस रेट. ओके, एंड प्लेक्सीफॉर्म सब टाइप शोड इन 16.27 रिकरेंस रेट. तो ये सभी आपको याद रखना है. तो हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट ऑफ अमीलोब्लास्टोमा विथ हाईएस्ट रिकरेंस रेट किसकी होगी, फॉलिकुलर की. ओके, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द जेनेसिस ऑफ विच ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, वार्थेन्स ट्यूमर, नेक्रोटाइजिंग साइलोमेटाप्लेजिया, पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा. ओके, जो वार्थेन्स ट्यूमर है उसको ही अपन पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा भी कहते हैं, सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम. ओके, एंड इट इज़ अ बेनाइन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर दैट हैज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन विद स्मोकिंग. ओके, स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ ट्यूमर कंपेयर टू नॉन स्मोकर. ओके, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वार्थेन्स ट्यूमर. ओके, तो स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द जेनेसिस ऑफ वार्थेन्स सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर. ओके, तो इसको और क्या बोलते हैं, पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोमा मेटोसम. ओके, तो पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा के साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूमर विच अराइजेज इन सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू एंड एंट्रैप्ड इन पैरोटिड लिम्फ नोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, वार्थेन्स ट्यूमर, ऑन्कोसिस्टोमा, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा. तो ट्यूमर जो है अराइज होता है कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू में, और क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये एंट्रैप्ड हो जाता है पैरोटिड लिम्फ नोड में. तो इनमें से वो कौन सा ट्यूमर है, तो जो वार्थेन्स ट्यूमर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, वार्थेन्स ट्यूमर है ये. ओके, अ ट्यूमर विच अराइज इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड ट्रैप्ड इन पैरोटिड लिम्फ नोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज वार्थेन्स ट्यूमर. तो वार्थेन्स ट्यूमर को क्या कहते हैं, अभी अपने पढ़ा है, ऑल्सो नोन एज पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम. ओके, एंड इट इज अ सेकेंड मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर. तो ये क्या होता है, इट अकर्स वर्चुअली ऑनली इन पैरोटिड ग्लैंड, वो भी पैरोटिड ग्लैंड में कौन से पार्ट पे, सुपरफिशियल पार्ट एंड टेल पार्ट में. ओके, एंड इट इज अराइज फ्रॉम द हेट्रोटॉपिक सलाइवरी टिश्यू एंड ट्रैप्ड विद इन अ रीजनल लिम्फ नोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, ये कब होता है, 5th-6th डिकेड मेल्स में. स्मोकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वार्थेन्स ट्यूमर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर. ओके, एंड इट इज बायलेटरल इन अप टू 15% ऑफ केसेस. ओके, इसमें क्या होता है, मल्टीपल मासेस होते हैं इन वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड में.
ओके तो अ ट्यूमर विच अराइजेज इन द सलाइवरी ग्लैंड टिश्यू एंड एंट्रैप्ड इन पैरेटल लिम्फ नोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज वॉर्थेन्स ट्यूमर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द नॉर्मल फ्लोरा बिकम्स पैथोजेनिक? डायबिटीज, ल्यूकेमिया, एड्स और ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो सभी कंडीशंस हैं मीन्स ऑल ऑफ द अबव, डायबिटीज, ल्यूकेमिया एंड एड्स, ये जो कंडीशन है दीज आर द नॉर्मल फ्लोरा बिकम पैथोजेनिक. ओके इन कंडीशन लाइक डायबिटीज, ल्यूकेमिया एंड एड्स द इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज एंड विच कैन अलाउ नॉर्मल फ्लोरा टू द माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉर्मली प्रेजेंट इन द बॉडी एंड बिकम पैथोजेनिक एंड कॉजेज इन्फेक्शन. ओके फॉलोइंग आर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द रेसिडेंट फ्लोरा. सिंथेसिस ऑफ विटामिन की, विटामिन के, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज, सप्रेशन ऑफ कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन और बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन. तो इनमें से पूछा गया है कि जो बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं ऑफ द रेसिडेंट फ्लोरा के सारे होते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन क्या होगा. तो जो बेनिफिशियल इफेक्ट रेसिडेंट फ्लोरा के टिपिकली इंक्लूड करते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, सप्रेशन ऑफ कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन एंड बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन. ओके तो ये सभी हैं. एंड द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज इज नॉट जनरली कंसिडर्ड अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. ओके पेनिसिलिनेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन पेनिसिलिन एंड कैन कंट्रीब्यूट टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रादर देन अ बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट फ्लोरा. ओके ये आपको याद रखना है, ये मैंने आंसर डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन? एड्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और CMV, साइटोमेगालोवायरस, ऑल ऑफ द अबव. तो जो है कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन जो है इन सभी से हो सकता है, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ दीज इन्फेक्शन कैन बी कॉन्जेनाइटल. ओके टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कॉजेज वेरियस हेल्थ इशू इन द न्यूबॉर्न. ओके एंड साइटोमेगालोवायरस इज अ कॉमन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू अ रेंज ऑफ डेवलपमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट्स. ओके एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, इट ऑल्दो नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज अ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट रिजल्ट टू कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. एड्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड साइटोमेगालोवायरस कैन बी अ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन. ओके फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटेरोट्रॉक्सिन एक्सेप्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बी एंथ्रेक्सिस, बी सेरेसस या विब्रियो कॉलेरी. तो जो बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करते हैं एंटेरोट्रॉक्सिन, तो कौन कौन से हैं वो? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बी सेरेसस एंड विब्रियो कॉलेरी. ओके तो ये जो तीनों हैं वो क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंटेरोट्रॉक्सिन. एक्सेप्शन क्या होगा इसका? बी एंथ्रेसिस. बी एंथ्रेसिस जो है इट इज़ अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स एंड इट प्रोड्यूस द एंथ्रेक्स टॉक्सिन, बट दीज आर नॉट क्लासिफाइड एज एंटेरोटॉक्सिन. ओके ये क्या करता है? ये एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जबकि बाकी जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटेरोटॉक्सिन. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड बाय इंजेशन? सल्मोनेलोसिस, शिजेलोसिस, डिप्थीरिया और कॉलरी. तो जो डिप्थीरिया है इट इज़ प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स. ओके फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ये इंजेक्शन से नहीं होता है, ये किससे होता है? रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है इन्फेक्टेड पर्सन के. ओके एंड द साल्मोनेलोसिस, शिजेलोसिस एंड कॉलेरा जो है ये किसके, दे आर एक्वायर्ड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर. ओके बट डिप्थीरिया इज नॉट एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन. ओके फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन्वेसिव एक्सेप्ट शिजेला, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी और एंड मेनिनजाइटिस. ओके तो जो शिजेला है ये इन्वेसिव होता है एंड कैन कॉजेज डिसेंट्री बाय पेनेट्रेटिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो भी इन्वेसिव होता है एंड कॉजेज टाइफाइड फीवर बाय एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गन्स. और जो एंड मेनिनजाइटिस जो होता है
नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, इट इज़ इन्वेसिव एंड कॉजेज बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस बाय एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम एंड क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर. बट जो विब्रियो कॉलेरिया होता है, इट कॉजेज कॉलेरा प्राइमरली थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड एंड इट टिपिकली डज नॉट इन्वेड टिश्यू. ओके, तो ये क्या करता है, विब्रियो कॉलेरी डायरेक्ट टिश्यू पे से इन्वेड नहीं होता है, ये बाय द कंटामिनेटेड इंजेक्शन होता है बाय द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू. ओके, एंड इट प्रोड्यूस एन एंट्रोटॉक्सिन दैट लीड्स टू सीवियर डायरिया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बोर्न डिसीज, टाइफस, डेंगू, येलो फीवर और ऑल ऑफ द अबव. तो ये वेक्टर बोर्न डिसीज जो है, ये मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ है किस किस के कारण होती हैं, लाइक लाइस, मॉस्किटोज, फ्लाइज, टेक्स, है ना, और जो स्नेल्स होते हैं, इनसे जो ब्लैक फ्लाइज, इन सभी से जो है ये इन सभी से जो डिसीज़ हो रही है उनको वेक्टर बोर्न डिसीज़ कहते हैं. और उसमें तीन टाइप के पैथोजन्स जो हैं वो उनके कैरियर होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स. तो जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं वो कौन कौन से होंगे, प्लेग, रिलैप्सिंग फीवर, रिकेट्सियल डिसीज़, टॉल्यूरेमिया, लाइम डिसीज़, टाइफस. टाइफस किसके कारण हो रहा है, लाइस के कारण. ओके, एंड लॉस बोन रिलैप्सिंग फीवर. ओके, वायरस के थ्रू किस किसके हो रहा है, चिकनगुनिया मॉस्किटो से हो रहा है, डेंगू, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका, जापानीज एंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, सेंट फ्लाई फीवर और टिक बोन एंसेफेलाइटिस. ओके, और जो पैरासाइट्स के तरह वर्क कर रहे हैं वो उसमें क्या हो गए, लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, लेशमैनियासिस, शिस्टोसोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, टंगियासिस, ओंकोरेसियासिस. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑल ऑफ दी अबव. ओके, टाइफस, डेंगू और येलो फीवर जो हैं ये सभी किससे हो रहे हैं, वेक्टर बोर्न डिसीज. ओके, क्या कहलाएंगे, वेक्टर बोर्न डिसीज. प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साल्मोनेला, शिजेला, प्रोटियस और ईकोलाई. तो जो प्लाज्मिड मीडिएटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं वो इनिशियल ऑब्जर्व किस में होते हैं, ईकोलाई, इस्टीरिया कोलाई में. वे आर प्लाज्मिड वर फाउंड टू कैरी जीन्स दैट कन्फर्ड रेजिस्टेंट टू वेरियस एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ओके, तो फर्स्ट डिटेक्टेड इन प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले किस में देखी गई थी, ईकोलाई में, मीन्स इस्टीरिया कोलाई. ओके, फॉलोइंग आर जूनोटिक डिसीज एक्सेप्ट रेबीज, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हाइडेटेड और टिटनेस. तो जो टिटनेस है, इट इज़ नॉट अ जूनोटिक डिसीज, इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई. ओके, एंड इट इज़ टिपिकली कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द वुंड्स कंटामिनेटेड विद सॉइल और एनिमल फीसेस, नॉट थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम द एनिमल. ओके, बट अदर डिसीज जो है जैसे रेबीज, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हाइड्रेटेड डिसीज आर जूनोटिक एंड दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. ओके, तो जो हाइड्रेटेड डिसीज है वो उसे क्या कहते हैं, एकिनोकोकोसिस कहते हैं. ये किसके कारण होती है, कॉज बाय द टैपवॉर्म ऑफ द जीनस एकाइकोकस. ओके, एंड इट इज जो उसके डेफिनेटिव होस्ट होते हैं वो यूजुअली कैनाइन होते हैं, किसके, सच एज डॉग एंड वोल्व्स के. ओके, एंड ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद दीज एनिमल्स. ओके, सो द एक्सेप्शन क्या होगा, टिटनेस, जूनोटिक डिसीज का. ओके, वायरल मीडिएटेड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन. तो वायरल मीडिएटेड ट्रांसमिशन होगा जेनेटिक मटेरियल के बैक्टीरिया में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन. ओके, ये आपको याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन. इसमें क्या होता है, जैसे कॉन्जुगेशन होता है, ये क्या होता है, एक्चुअली फिजिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन सेल्स का. ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर होता है डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया. और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स रिलीज ऑफ डीएनए इनटू एनवायरनमेंट एंड द टेकिंग अप ऑफ डीएनए बाय द बैक्टीरिया. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन आपको हिसाब साफ बोल रहा है कि वायरल मीडिएटेड ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का बिटवीन बैक्टीरिया के बीच में ना, तो उसे कहेंगे ट्रांसडक्शन. ओके, विच इज़ द सीमेंट विथ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी, ऑप्शंस आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकेट, जिंक फॉस्फेट और GIC. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिलिकेट सीमेंट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एंड सिलिकेट सीमेंट्स आर मोर सॉल्युबल्स इन ओरल फ्लूड्स कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ डेंटल सीमेंट.
like calcium hydroxide, zinc phosphate or glass ionoma. Okay. Next question is, advantages of LED light is small and portable, okay, low power consumption, okay, minimal deterioration of light output or all of the above. तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑल ऑफ दी अबव. ओके, यही आपसे पूछा गया है कि एलईडी लाइट के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, है ना. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव मींस स्मॉल एंड पोर्टेबल, ये भी उसका एडवांटेज है. लो पावर कंजप्शन, ये भी उसका एडवांटेज है. एंड मिनिमल डिटेरियेशन ऑफ लाइट आउटपुट, ओके, एंड मेंटेन देयर ब्राइटनेस एंड लाइट क्वालिटी ओवर टाइम विद मिनिमल डिग्रेडेशन इन आउटपुट. ओके, द एंगल बिटवीन रेक फेस and radial line is rake angle, clearance angle, blade angle or radial clearance. Okay, so angle between the rake face and radial line is known as rake angle. Okay, kya kehte hain use? Rake angle. Okay, and rake angle is critical parameter in matching and cutting tools and it affect the cutting performance and quality of the finished surface. Okay. तो इसमें क्या होता है कि ये रेफर करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. द एंगल कैन बी नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. अगर वो नेगेटिव होगा इट मींस कि जो फेस है बियॉन्ड द लीडिंग ऑफ रेडियल लाइन, जैसे कि आपको ये पिक्चर में शो किया हुआ है. ओके, ये बियॉन्ड जा रहा है. ओके, बियॉन्ड द रेडियल लाइन. ओके, जीरो में क्या होगा, सेंटर पे जो ये दिया हुआ है, रेडियल लाइन एंड द टूथ फेस कोइंसाइड विद ईच अदर. ओके, एंड पॉजिटिव कब होगा, इफ़ द रेडियल लाइन लीड्स टू फेस, दैट इज द रेक एंगल इज इनसाइड द रेडियल लाइन. ओके, तो बस यही आंसर होगा इसका, रेक एंगल, द एंगल बिटवीन रेक फेस एंड रेडियल लाइन इज नोन एज रेक एंगल. ओके, एम्स टेक्निक प्रोवाइड फॉर लो मर्करी अलॉय रेशियो, हाई मर्करी अलॉय रेशियो, ईजी वेस्ट मैनेजमेंट और गुड पॉलिशिंग. तो ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर द low mercury alloy ratio. The Ames technique is a method used in dental amalgam preparation that provides for a low mercury alloy ratio. And this technique aims to reduce the mercury content in the amalgam mixture. क्या फायदा होगा इसका कि इसमें mercury कम होगी amalgam mixture से, which can improve the property of material. Okay? Which of the following is an estrogenic material? Bisphenol A, polyacrylic acid, nickel or direct filling gold. तो जो bisphenol A है उसे अपन bisphenol A is known to have estrogenic activity, meaning it can mimic or interfere with the action of estrogen in the body. Okay? Simultaneous application of acid to enamel and dentin is known as total each technique. ओके, तो मतलब एक साथ एप्लीकेशन हो रहा है एसिड का इनेमल और डेंटिन में, उस टेक्निक को क्या कहेंगे, टोटल ईच टेक्निक. तो इसमें क्या होता है, कंडीशनर एंड एसिड टू ईच डेंटिन. टोटल ईच में क्या होता है, द टेक्निक दैट यूजेज अ सिंगल एसिड टू साइमल्टेनियसली ईच बोथ डेंटिन एंड इनेमल. ओके, स्मीयर लेयर कंसिस्ट ऑफ इनेमल डेब्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेंटिन चिप्स और ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. स्मीयर लेयर जो है वो थिन रेगुलर टाइप की लेयर होती है, layer of debris that is created on the surface of dentin during cavity preparation. Okay, and it includes enamel debris, dentin chips and other particles such as microorganism and collagen fragment. Okay, and this layer can affect the bonding of dental material to the tooth structure and often needs to be removed or treated to achieve a strong bond. Okay, so iska correct answer kya hoga, smear layer mein sabhi cheezon ki, the all of the above. Okay, cement which is kindest to dental pulp, and the correct answer for this question is polycarboxylate cement. Polycarboxylate cement is known for the being gentle on the dentinal pulp and it has good biocompatibility, and the polyacrylic acid in it has a relatively large molecular size which minimize its penetration into the dentinal tubules and reduce the risk of pulpal irritation. Okay, and this make it preferred choice in situation where pulp protection is concerned. Okay, corrugated gold is a type of casting alloy, direct filling gold, technic alloy or none of the above. Okay, तो corrugated alloy जो है ये मैंने actually पढ़ा था direct filling gold के अंदर, जिसमें से ये gold foil का ही एक type होता है. Okay,
ये गोल्ड फॉइल का एक टाइप होता है, जैसे कि शीट्स होती है, सिलेंडर्स होते हैं, वैसे ही उसमें एक होता है कॉरुगेटेड गोल्ड. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉरुगेटेड गोल्ड जो होता है ये किससे बना होता है, बाय द मेटिंग पुटिंग थिन शीट्स ऑफ पेपर बिटवीन द गोल्ड फॉइल शीट, गोल्ड फॉइल शीट के बीच में इसको एक थिन शीट पेपर की वो जाती है वहाँ, एंड इग्नाइट दैम एंड पेपर इन बिटवीन द गोल्ड फॉइल गेट्स बर्नड एंड चैट लीडिंग टू कॉरुगेटेड अपियरेंस ऑफ गोल्ड फॉइल. किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ शिवलिंग ऑफ द पेपर के कारण. ओके, तो ये डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड का एक टाइप है. इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल इंडिकेट्स इट्स रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट और विस्कोसिटी. तो इलास्टिक मॉड्यूल ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स इट्स रिजिडिटी. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिजिडिटी. इलास्टिक मॉड्यूल और ऑल्सो नोज ए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट मेजर द मटेरियल्स रेजिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस. ओके, एंड हायर इलास्टिक मॉड्यूल्स इंडिकेट दैट मटेरियल इज मोर रिजिड. ओके, एंड लेस फ्लेक्सिबल, एंड इट इज असेंशियल क्वांटिटी हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म वेन सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. ओके, तो आज का वीडियो में ही एंड करते हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.